सो एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट से बड़े सारे मेडल आ रहे हैं और एक और उसमें एडिशन है विमेंस का टीम इवेंट में, और मेरे साथ हैं मनु। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बड़े सारे इन्होंने मेडल हासिल किए हैं और स्टार शूटर हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी कसक है या फिर हम कह सकते हैं कि अभी भी वो प्लानिंग चल रही है ना साल दर साल, वो है ओलंपिक के पोडियम की। कितने नज़दीक हैं चढ़ने से उस पोडियम पे आप? मेरे ख्याल अभी एक साल भी नहीं बचा है ओलंपिक्स के लिए, और डेफिनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ ओलंपिक्स के लिए ही। हर एक कॉम्पिटिशन में बस बैक ऑफ द हेड यही रहता है कि ओलंपिक गेम्स। और अभी जैसा आई थिंक आपने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले कि लगभग सारे मेडल्स मेरे पास हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड कप फाइनल्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, सिर्फ ओलंपिक गेम्स बाकी है। और भगवान की ब्लेसिंग्स और आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो होपफुली वो भी बहुत जल्द ही मिल जाएगा। और हम उम्मीद भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा है 2018 से लेकर 2023 तक का जो सफ़र है, मुझे याद है आप एक जूनियर एथलीट के तौर पर गई थी, गोल्ड मेडल लेकर वापस आई थी, और रातों रात जिसको बोलते हैं ना स्टार बन जाना शूटिंग की दुनिया में, वो मनु के लिए फेमस रहा है। और प्रेशर भी रहा इस दौरान आपके ऊपर में, आपने बड़े सारे प्रेशर्स को झेला है उस पोडियम की चाह में जिसके इंतज़ार करते हैं। तो ये जो साल थे आपके लिए वो जूनियर एथलीट से सीनियर एथलीट का कन्वर्जन, वो कैसा रहा? दरअसल मैं कभी भी अपने आप को जूनियर एथलीट नहीं मानती थी, मैं हमेशा बड़ा खेलने की सोचती थी। और 2018 से ही मेरा सिलेक्शन शुरुआत में ही जनवरी में ही सीनियर टीम के लिए हो गया था। उसके बाद से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जूनियर खिलाड़ी हूँ या फिर यूथ खिलाड़ी हूँ या फिर मैं सीनियर लेवल की नहीं हूँ। सो कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरुआत, वर्ल्ड कप और लगभग सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने 2018 में गोल्ड जीता था। उसके बाद यूथ ओलंपिक्स में थोड़ा एहसास हुआ था कि अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत आगे जाएंगे। बट आई थिंक शुरू से ही मेरा यही था कि सीनियर टीम में खेलना है, सीनियर स्क्वाड में, सीनियर टीम में आना है, सीनियर में मेडल जीतना है, सीनियर में इंडिया के लिए मेडल जीतना है। तो शुरुआत से ही ये माइंडसेट था। अच्छा मनु, बहुत सारे एथलीट्स को हमने देखा है वो ना ओलंपिक्स के ड्रीम को लेकर चलते हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो टैटू कराते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं। मनु क्या कर रहे हैं? मनु उस फोकस को क्रिएट करने के लिए, उस फोकस पे मतलब डेडिकेशन के लिए वो चीज़ सामने रहे हमेशा, आपने ऐसा कुछ किया है? आई थिंक मैं उस सपने को रोज़ जी रही हूँ और वो बहुत मोर देन इनफ है, वो बहुत है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, चूँकि अब वक्त कम है और यहाँ अगला जो है टूर्नामेंट वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोटा के लिए भी, तो आप मनु एशियन गेम्स के बाद कहाँ पे ट्रेन करेंगी, है ना, कितना समय जो है आप उस पर देंगी? मैं चाहूँगी कि मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग करूँ, जसपाल राणा, और आई होप कि अथॉरिटीज़, और मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेजर कॉम्पिटिशन्स के लिए वो मेरे कोच को अलाउ करें मेरे साथ, ताकि परफॉर्मेंस जितनी बेस्ट हो सके मैं उतनी बेस्ट दे सकूं। तो आई थिंक होपफुली पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और मेरा फोकस यही रहेगा कि अभी ट्रेनिंग है वो सिर्फ एशियन चैम्पियनशिप के लिए देखो, उसके बाद फिर लॉन्ग रन में ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग करनी है, और ओलंपिक कोटा है सबसे पहले प्राइमरी। तो हाँ जी, एक चीज़ बस मैं वो फीलिंग समझना चाह रहा था, जब भी आप पोडियम पे खड़े होते हैं, गोल्ड मेडल आता है, फ्लैग ऊपर जाता है, नेशनल एंथम बजता है, क्या आप उसको ओलंपिक के पोडियम से तुलना करते हैं कि मैं ऐसे ही वहाँ पर भी खड़ी रहूँगी? क्या वो आता है दिमाग में कि ऐसे ही होगा? डेफिनेटली पूरी एक पिक्चर सी आती है कि ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पोडियम भी हो गया, अब क्या बचा है, सिर्फ ओलंपिक का पोडियम। तो वो भी एक रील सी प्ले होती है दिमाग में कि सुन जल्दी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो ये थी मनु भाकर, जिनके दिमाग में सिर्फ चल रहा है ओलंपिक्स का प्रिपरेशन, बड़े सारे मेडल हैं इनके पास, लेकिन एक ही चीज़ ऐसी है जो अभी इनके आप कह सकते हैं कि ट्रॉफी कैबिनेट में मिसिंग है, वो है ओलंपिक्स का मेडल। सो हम उम्मीद करते हैं कि मनु भाकर इसी तरह से परफॉर्म करती रहेंगी और देश के लिए मेडल जरूर हासिल करेंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।